हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्जिस किचन। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हैदराबादी शादियों वाली स्पेशल बटेर फ्राई। इसको ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कैसे बनाते हैं, चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ना एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसके अंदर जो है साफ किए हुए बटेर को डाल देंगे। बटेर पे जो है छुरी की मदद से इस तरीके के मार्क्स कर लेंगे। हर तरफ हम मार्क्स कर लेंगे यानी कि निशान बिठा देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि बटेर में जो है हमारे मसाले अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएंगे और जो है फ्राई हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। सारे बटेर पे जो है हमें मार्क्स कर लेना है। इस तरीके से मैंने अच्छे से मार्क्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, साथ ही साथ जो है थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। उसी तरीके से थोड़ा सा चिकन मसाला डाल देंगे। अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जो है थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर देंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब जो है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर को भी डाल देंगे। थोड़ा सा दही भी जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल देंगे इसी तरीके से। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप शादियों वाली बटर फ्राई खाना चाह रहे हैं तो इसके अंदर कंपलसरी ऐड करना ही पड़ेगा। इन सारे चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर देंगे रब करते हुए। हर तरफ जो है मसाले को अप्लाई कर लेना है। बटेर के अंदर के हिस्से में भी हमें मसाले को अप्लाई कर देंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है निकल चुका है। उस पानी को जो है हमें निकाल के इसको डीप फ्राई कर लेना है। अब मैंने चूल्हे पे एक कढ़ाई रख लिया है और उसके अंदर डीप फ्राई के लिए ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके बटेर को इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। दोनों तरफ इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बटेर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरीके से जो है सारे बटेर को फ्राई कर लेंगे। है ना बहुत ही आसान, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरीके की और भी मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर हमारी ये रेसिपीज जो है आपको पसंद आ जाए तो शेयर भी ज़रूर करिए। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।